प्यारी बहनें और भाइयों, इस सभा में आप सबको बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र यादव जी, श्री भुवन कापरी जी, श्री कुलदीप इंदौरा जी, श्री गोपाल सिंह राणा जी, श्री जितेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों, सभी नेतागण, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, मेरे मीडिया के भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, कुमाऊं की इस धरती का मेरा नमको मेरा नमन, यहाँ के शहीदों को नमन, यहाँ की थारी थारू जनजाति महिलाओं को भी नमन, जो अपनी अपने समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं, यहाँ के पूर्व सैनिकों को नमन। ये धरती एक ऐसी धरती है जो हिंदुस्तान में एक मिसाल है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई और आप सबसे कुछ बातें करने के लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए, चुनाव आ गया है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे नौजवान दिख रहे हैं। कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठाएं। आप तो नौजवान नहीं है। चलिए ठीक है, अब जरा मुझे बताइए कि आप में से पिछले 5 सालों में किसको रोजगार मिला है सरकार से, हाथ उठा के दिखाइए। सबको मिला रोजगार? नहीं मिला ना, किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके प्रदेश में? रोजगार, महंगाई और किसानों की जो समस्याएं हैं, यही है ना 3 सबसे बड़ी समस्याएं। मैं आपको बताती हूं कि यहां आके मुझे ताज्जुब क्यों हुआ। जैसे मैं हेलीकॉप्टर में थी, मुझे बताया गया कि ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उनकी विधानसभा है। हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से यहां तक आते हुए मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, खूब विकास हुआ होगा। इतना तो देखिए हर प्रदेश में हर मुख्यमंत्री कर लेता है, अपनी विधानसभा की का विकास कर लेता है। अच्छी अच्छी सड़कें होती हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मुझे ताज्जुब हुआ यहाँ की स्थिति देख के, यहाँ की सड़क को देख के, ये देख के कि आपके मुख्यमंत्री ने पिछले 5 सालों में आपके लिए कुछ नहीं किया है। ये बात मुझसे अच्छी तरह आप सब तो जानते ही होंगे। देखिए, आप उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, मैं जानती हूं कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। हर जगह किसानों की समस्याएं, उनके संकट इतने बड़े हैं कि उनका सामना करना मुश्किल हो रहा है। खाद का वितरण नहीं होता, फसल का आपको दाम नहीं मिलता। कितना मिल रहा है आपको गन्ने के लिए बताइए, कितने रुपए क्विंटल मिलता है? मैं जानती हूं कि सही दाम नहीं मिलता, गेहूं का नहीं मिलता, धान का नहीं मिलता, गन्ने के लिए नहीं मिलता। यहां पे किसान सिर्फ संघर्ष कर रहा है। आपने देखा कि किसान के आंदोलन के साथ क्या हुआ, एक साल के लिए, पूरे साल के लिए किसान आंदोलन करते रहे, रोजी रोटी नहीं कमा पाए। आप ऐसे कानून ला रहे थे जिससे मेहनत करे किसान, फायदा हो बड़े बड़े उद्योगपतियों का। इसीलिए अपनी समझदारी और अपनी विवेक से आपके प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के किसानों ने आंदोलन किया। कितने किसान शहीद हुए इस आंदोलन में आप बताइए। उस पूरे समय में इस सरकार के एक भी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने आपके आपसे पूछा, आपके पास आए कि आपकी क्या समस्या है, इसको कैसे सुलझाएं?
अब सरकार की नीयत भी देख लीजिए, एक साल के लिए किसान आंदोलन कर रहा है, कोई पूछता नहीं है, किसानों तक पहुंचता नहीं है पूछने की कैसा क्या है, क्या समस्या है, कैसे सुलझाए। चुनाव आने लगा, चुनाव आने से एक महीने पहले किसान कानून रद्द कर दिए। रद्द करने के बाद भी जब इनसे पूछा गया कि जो शहीद किसान है उनके लिए आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा शहीद किसान तो है ही नहीं, सूची ही नहीं है हमारे पास, हम क्या करें मदद उनकी। तो नियत समझ लीजिए। आपके यहां भी आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है, उसे सुलझाने के लिए क्या किया, कुछ नहीं। बेरोजगारी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं BHEL जैसे, रेलवेज जैसे, जहां से बहुत रोजगार मिलते हैं, सरकार क्या कर रही है, इन्हें बेचने की योजना बना रही है। किसको बेचेगी? उन्हीं दो तीन उद्योगपतियों को जिनको पूरा किसान कानूनों से फायदा होने जा रहा था, उन्हीं को बेचने जा रही है। देश के सारे बंदरगाह किसको बेचे, किसको? देश के सारे हवाई अड्डे किसको बेचे? देश की सारी मीडिया किसके पास है? देश का पूरा पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजी, ये सब किसको दे रहे हैं? तो इन दो लोगों के लिए, इन्हीं दो उद्योगपतियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनके लिए पूरे देश की नीतियां चल रही हैं। देश का बजट आता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, जो इस तरह की दुकानें चलाते हैं, जो रास्ते में हैं इधर, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट बनाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। वही है इस देश की रीढ़ की हड्डी, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो पिछले 5 सालों में जिनका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया है, जिनको बताया गया था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि देश का पूरा काला धन वापस आ जाए, उनको ये नहीं बताया किसी ने कि नोटबंदी से उन पर कितना संकट आने वाला था। उसके बाद GST थोपी गई उन पर, कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन हुए, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छोटे व्यापारियों को हुआ जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं क्यों कह रही हूं कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं? क्योंकि रोजगार पैदा करने वाले यही छोटे और मध्यम व्यापारी हैं। कोई अडानी जी और अंबानी जी नहीं पैदा कर रहे हैं रोजगार आपके लिए। रोजगार पैदा करने वाले छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट हैं, ये हैं। इस सरकार की नीति और नियत देखिए किस तरह से आपकी कमर तोड़ी है। किसान की कमर तोड़ी, छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी, बेरोजगार नौजवानों को एक भी रोजगार नहीं दिया, 28,000 रोजगार खाली पड़े हैं, पद खाली पड़े हैं सरकार में, उत्तराखंड की सरकार में। क्या उनको 28,000 बेरोजगार युवा नहीं मिले? यहां आप हाथ उठा रहे हैं, आप ही में 5-6 हजार तो यही होंगे। नौकरियां क्यों नहीं दी? आज तक वो पद खाली क्यों हैं? आज इतनी महंगाई क्यों है? आपको गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है? पहाड़ों में जाइएगा, उसका दुगना लगता है ट्रांसपोर्ट लगने के बाद। महंगाई इतनी ही है कि तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, खाने पीने का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, रोजी रोटी नहीं बन रही है, और आपके सामने आकर क्या कहते हैं, धर्म की बात करते हैं। कैसा धर्म है ये? कैसा धर्म है ये इनका? सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है? जनता की सेवा, जनता की सुविधा, जनता का विकास। और आज तमाम भाजपा के नेता, आपके मुख्यमंत्री से शुरू होकर देश के प्रधानमंत्री तक, सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी सुविधाओं के बारे में, सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के बारे में। आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर आपके बारे में कोई सोच रहा होता तो इतनी बड़ी तादाद में मेरे नौजवान भाइयों और बहन, आप अपने हाथ नहीं उठाते जब मैं पूछती आपसे
कि किसी को रोजगार मिला है कि नहीं मिला, तो आपका हाथ नीचे नहीं जाता। अगर इन्होंने आपके लिए काम किया होता तो आज इस महंगाई की मार से आपकी कमर नहीं टूट रही होती। अगर इन्होंने आपके लिए काम किया होता तो आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं होती। जब कोरोना हुआ तो आपके लिए सेहत की सुविधाएं होती। कहां थे ये लोग? यहां से पलायन बहुत है। पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है कि प्रदेश में रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। और आपके प्रदेश के पास तो सब कुछ है, हिमालय है, प्रकृति है, पर्यटन के मौके हैं। जो कोई नौजवान एक छोटा सा पर्यटन के लिए भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, उसको सुविधा मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। सब कुछ है, हुनर है आपके प्रदेश में, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए आपके यहां से लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। पलायन करके बाहर जाते हैं, इतनी मेहनत से वो काम करते हैं, दिन रात काम करके घर पैसा भेजते हैं। इस सरकार ने क्या किया जब कोरोना आया? एक दिन में कह दिया लॉकडाउन हो गया, बसें बंद, ट्रेन बंद, जाओ घर अपने। तमाम उत्तराखंड के लोग जो दिल्ली जैसे शहरों में मेहनत की कमाई करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद की, कोरोना फैला दिया पूरे देश में राजनीति करके। तो हम क्या करते, मैं पूछना चाहती हूं। आपके भाई बहन सड़क पे चल के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं थी था, क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देते? ऐसे बच्चे थे जो साइकिल पे अपने माँ बाप को बिठा के चला रहे थे 600 किलोमीटर दिल्ली से बिहार तक। मुझे याद है मैसेज आते थे, हम उत्तराखंड के हैं दीदी, कहीं ना कहीं से हमें मदद कर दो, खाने को नहीं है, एक दिन का खाना बचता है, हमें मदद कर दो। मुझे याद है हमने कितनी जीपों का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम किया। क्यों किया? हम राजनीति कर रहे थे क्या? हम अपना धर्म निभा रहे थे। हमारा देशवासी अकेला बड़े बड़े शहरों से पैदल अपने गांव तक आ रहा था, हमारी सरकार ने उसको भगवान भरोसे छोड़ा, हमने उसकी मदद की। राजनीति के लिए नहीं, क्योंकि हमारा धर्म था। तो सोच लीजिए, जो ये सीधी सी बात नहीं समझ पाता वो आपका विकास क्या कराएगा? एक सीधी सी बात है, हम सब बैठे हैं मंच पे, किसने बिठाया? आपने बिठाया ना? बोलो हमने, जोर से बोलो हमने बिठाया। ये बात कभी मत भूलिए बहनों और भाइयों, आपके अधिकार रोज छीने जा रहे हैं, मंदिरों पे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। मेरी थारू बहने, आपकी जमीन पे अधिकार छीने जा रहे हैं। मेरे नौजवान भाई, रोजगार का आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। मैं एक ही बात कहने आई हूं आपको दिल्ली से, आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और देखो कि पिछले 5 सालों में आपके प्रदेश के साथ क्या किया गया है। जागरूक बनो, ये जो शक्ति है ना मैंने आपसे बुलवाया, आपने बिठाया है, इसको कभी मत भूलो। याद दिलाओ इन लोगों को, ये जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं आजकल आपको बिंदियां और चूड़ियां बांट रहे हैं, इनसे पूछो रोजगार क्यों नहीं बांटे, इनसे पूछो हमारी जमीन क्यों छीनी, इनसे पूछो जब हमारे भाई बहन शहरों से वापस आ रहे थे तो तुम कहां थे, आज क्यों आए हो हमारे पास, जब हम संकट में थे, जब हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे तो तुम कहां थे। और आप सब इस बात, आप सब इन सवालों का जवाब जानते हैं, अपने दिलों में झांको, 5 सालों में क्या आप आगे बढ़े हैं, आपका जीवन बेहतर बना है? बताओ, बेहतर बना है? आपके इस मुख्यमंत्री ने
आपका विकास किया है, तो हराओ इनको। खापरी जी, इनको पहचानो। कौन है ये? कौन है ये? ये वो शख्स हैं जिन्होंने, जो भी इनको शगुन मिला था अपनी शादी के लिए, इन्होंने उसको आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। पहचानो इनको, सुबह से शाम आपके लिए काम करेंगे और इनका चेहरा आपको दिन रात दिखेगा। इनको आप जब बनाएंगे अपना विधायक, तो 5 सालों के लिए हर रोज इनका चेहरा आपको यहां अपनी विधानसभा में मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम करने का मौका चाहती है, आपकी सेवा करने का मौका चाहती है, सच्चे दिल से सेवा, खोखली सेवा नहीं जो सिर्फ विज्ञापनों पे दिखती है, वो सेवा नहीं जो हम सड़कों पे जा रहे हैं इतने बड़े बड़े विज्ञापन रखे हैं कि विकास हुआ और नीचे सड़क पे गड्ढे हैं, वो वाली सेवा नहीं जो चुनाव से पहले आकर कुछ नया उद्घाटन कर लेते हैं लेकिन 5 सालों से कोई उद्घाटन ही नहीं करते, वो वाली सेवा नहीं जो आपको 5 साल में एक बार दिखती है और वो भी मांगने के लिए, देने के लिए नहीं, वो सेवा जो रोज रोज आपके लिए काम करना चाहते हैं, वो सेवा जो आपके लिए सुविधाएं बनाए, वो सेवा जो आपके क्षेत्र का विकास करे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि हमारे उम्मीदवार कापरी जी और गोपाल जी आइए, हमारे दोनों उम्मीदवारों को भारी से भारी बहुमत से जिताओ। ये कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम नहीं कर रहे हैं आप, ये आप अपना भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। आपके भविष्य को आपके हाथों से छीना जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, आपकी मेहनत की कमाई उनके पास जा रही है। रोको इसको, इस तरह की राजनीति को रोको, ये आपकी जिम्मेदारी है। यही मांगने आई हूं मैं आपसे, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। वही जिम्मेदारी आपकी अपने बच्चों के प्रति है, उनका भविष्य बनाना है। तो ये जो वोट है, जो आपकी इतनी बड़ी ताकत है, उसको समझिए, एकजुट होकर उसको, उसी पार्टी को दीजिए अपना वोट जो आपका विकास कराए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी हैं, खासतौर से मेरी बहनों ने। अंत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ घोषणाएं की हैं, ये घोषणाएं क्या हैं और किस तरह से आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ की प्रकृति और यहाँ की परंपराओं के साथ खिलवाड़ बंद होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही 4 लाख रोजगार दिलवाएंगे। अब आप पूछोगे कि कहां से आएंगे 4 लाख रोजगार, क्योंकि सब कहते हैं चुनाव से पहले। हम बताएंगे, ये जो 28,000 खाली पद है, सबसे पहले हम इनको भरेंगे। पर्यटन पुलिस बनाएंगे जिसमें नए पद बनेंगे, पर्यटन के लिए ऐसे मौके खड़े करेंगे जिससे हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए तमाम रोजगार पैदा हों। फिर हम कह रहे हैं कि गांव गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। आपने देखा कि कोरोना में क्या हुआ, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। आज भी पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि नई तकनीकों के साथ, ड्रोन के साथ, नए नए तकनीकों के साथ हम गांव गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। आज गैस सिलेंडर कितना महंगा है, इस सरकार ने कहा हम एक गैस सिलेंडर मुफ्त दे देते हैं, इससे हमें वोट मिल जाएंगे और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि ये गलत सोच है। हम कह रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर आपको मिलेगा,
₹500 से ज्यादा हम उसके दाम को बढ़ने नहीं देंगे। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि आप कितने संघर्ष कर रहे हैं, आप कितने संकट के सामना कर रहे हैं। तो जो सबसे गरीब परिवार हैं, जिनको सबसे ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा, वो 5 लाख परिवारों को ₹40,000 सालाना कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। मेरी बहनें, आपके लिए सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त होगी। इसके साथ साथ पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यहाँ पूर्व सैनिक बहुत हैं, शुरू में ही मैंने आपको नमन किया। आपने जो सेवा इस देश के लिए की, उस सेवा के लिए ये देश हमेशा आभारी रहेगा। इसीलिए एक पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, आपके लिए खास कार्यक्रम जिससे बच्चों की शिक्षा, पेंशन आदि के लिए मदद मिलेगी। ये सब योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में हैं। तो मैं हमेशा कहती हूं कि हमें राजनीति को बदलना है और राजनीति को विकास के बारे में बनाना है। हमें ऐसी राजनीति लानी है जो चुनाव के समय जो लोग आपके सामने आए वो धर्म, सांप्रदायिकता, जातिवाद की बात न करें, वो आपके विकास की बात करें। रोजगार कहाँ से आएंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, जनजातियों के लिए क्या करेंगे। इसीलिए हम आपके सामने ये सब बातें कहना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमने पहले भी करके दिखाया है और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं आप देखिए काम हो रहा है और जनता के लिए काम हो रहा है, अपने लिए नहीं। तो आपकी आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी बातें सुनी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर